हेलो सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज है हमारे पास ये, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगली वाली वीडियो होगी इक्लिप्स के बारे में, और जो अभी समझ चुके हैं उनको पता है ये क्या है, जो नहीं समझे हैं उनको मैं बता दूं कि ये है इक्लिप्स ग्लासेस, और ये हमने अभी बनाए हैं। पिछली वाली वीडियो में जो हमने सामग्री यूज करी थी, याद है तो मैं बता दूं कि हमने रील यूज करी थी उसमें VHS वाली, सो उसी से हमने ये बनाया है। और अगर आपको ये बनाना है कैसे बनाया है तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। इसके लिए चाहिए एक पेपर लंबा वाला, उसको आधा फोल्ड कर लेना है, एक लाइन खींचनी है 15 सेंटीमीटर की, और अब इसके ऊपर एक एक सेंटीमीटर मार्क कर देना है और उनको मिला के एक लाइन खींच देनी है। बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के उनको दोनों लाइनों से मिला देना है और साइड से काट लेना है, और अब ऊपर वाली दोनों लाइनों से काट लेना है। बस बीच में वो गैप है, वहाँ से नहीं काटना है। सो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये इसको अनफोल्ड करेंगे, उस फिर ग्लू अप्लाई करेंगे, और अब इसके ऊपर रील का टुकड़ा है वो रख देंगे इसके साइज के जितना। सो अब एकदम से केयरफुली रखना है कि ये साइड से बाहर ना निकले। सो रख देना है इसके ऊपर। सो अब आपने बना भी लिया है इसको, सो अब देखते हैं इसके अंदर से कैसे दिखता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम सन की तरफ देखेंगे तो हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं, अगर जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है ना, इन्हें लिख रखा है क्या लीजिए कि सोलर इक्लिप्स होता है, उसको डायरेक्ट नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए, उससे आँख ख़राब हो सकती हैं। सो उसके लिए या तो आप फिल्टर आते हैं वो यूज़ करिए, या फिर इक्लिप्स ग्लासेज अलग से आते हैं मार्केट में, अवेलेबल रहते हैं, उनको यूज़ कर लीजिए। बट हमने तो घर पर बना लिया है ये, और इसके अंदर से देखने पर मैं दिखता हूँ ऐसा, और सन है वहाँ पर और लाल लाल दिखता है इसके अंदर से। सो आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से कैसा दिखता है, और जो 21 जून होगी उस दिन मैं आपको इंस्टाग्राम पर इसकी इससे ली हुई पिक्चर दिखा दूंगा। सो हम सीधा देखते हैं सूरज की तरफ, ये छाया दिख रही होगी आपको यहाँ पर, क्योंकि सूरज है ऊपर उस डायरेक्शन में वहाँ पर। यार बहुत बकवास कर लिया, दिखाता हूँ क्या होगा इस पेड़ के अंदर से। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो वाइट हो रखा है वहाँ पर है, क्योंकि अभी बादल हो रखे हैं तो वाइट ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बादलों के अंदर से लाइट आ रही है। इसको अब इसके आगे लगाने वाला हूँ, सो लगाते हैं इसको आगे। सो दिख रहा होगा आपको, कैसा दिख रहा है ये बताओ, दिख रहा ना सूरज। मैं अलग जगह से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सूरज दिख रहा है कुछ ऐसा, और नॉर्मली देखें तो ऐसा, और अगर आप इसको खुद बना के देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो गाइस देख लिया आपने ये तो कैसा दिख रहा है डायरेक्ट लगा कर देखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसकी और पिक्चर्स दिखा देता हूँ बढ़िया वाली, जिसमें सन भी क्लियर दिखेगा, बादल नहीं दिखेंगे, और इसकी एकदम बढ़िया वाली पिक्चर्स दिखेंगी। सो ये रहे कुछ नमूने, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हुए। सो गाइस कैसी लगी ये वीडियो ये ज़रूर बता देना, और कमेंट तो कर देना, और लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे उनको भी पता चल जाए इसके बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन है उसको भी दबा देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी नेक्स्ट टाइम। और पिछली वीडियो के कमेंट्स ये रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।